मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण चैप्टर 13 काम बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया के बारे में बताएंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है, गिलहरी सेब खा रही है, मछली पानी में उछल रही है, बच्चे गुब्बारों से खेल रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। कुछ काम बताने वाले शब्द नाचना, पीना, तोड़ना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, गाना, चलना, चढ़ना, उतरना। अभी तक हमने सीखा, हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं। हंसना, रोना, नाचना, पढ़ना आदि सभी काम हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सोचिए और बताइए मौखिक। सोचिए और बताइए मौखिक का आप घर में कौन कौन से काम करते हैं। खा आपकी मम्मी कौन कौन से काम करती हैं। गा आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसे आपको अपने आप करना है। सही मिलान कीजिए। शेर दहाड़ रहा है, गाय घास खा रही है, बच्चे दूध पी रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। नीचे दिए चित्रों को देखकर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे चित्र में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं, यहाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, इस चित्र में दर्जी कपड़ों को सिल रहा है। इस चैप्टर के प्रस्तुतक की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।